शराबबंदी का मुद्दा अक्सर चर्चा में आता है और अब एक बार फिर से शराबबंदी के मुद्दे पर चर्चे शुरू हो गए हैं और इसके पीछे की वजह है मुख्यमंत्री का इसके ऊपर एक बड़ा आदेश। शराबबंदी को लेकर के सर्वे किया जाएगा, शराबबंदी कितनी सफल होती है, इसका लोगों को कितना फायदा हुआ है, आम जनता शराबबंदी को लेकर क्या सोचती है, इन सब मुद्दों को लेकर सर्वे कराया जाएगा। इस पर सर्वे की कवायद शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री ने इसका आदेश दे दिया है। बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुशील कुमार ने इसको लेकर बड़ा संकेत दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद आदेश दिया है। कहा जाता है कि बिहार में शराबबंदी फेल है और जहरीली शराब पीकर गरीब जनता मर रही है। बीजेपी की ओर से इसकी समीक्षा की मांग हो रही है और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने शराब पर गुजरात मॉडल को लागू करने की मांग की है। मंत्री सुशील कुमार ने शराबबंदी सर्वे को लेकर कहा है कि एजेंसी का चयन किया जा रहा है, चयनित एजेंसी से राज्य भर में डिटेल सर्वे कराया जाएगा और इस काम के लिए अनुभवी एजेंसी की तलाश भी की जा रही है। इसके लिए कई कंपनियों ने अपना प्रस्ताव दिया है जिनमें से 2 से 3 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। देखा जा रहा है कि किस एजेंसी के काम करने का तरीका बेहतर है जिससे आम जन को परेशानी भी ना हो। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 10 दिनों में एजेंसी का चयन हो जाएगा और उसके बाद जल्द से जल्द डिटेल सर्वे करवाया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।